हेलो गाइज, मैं हूं अंकुर और आज हम बात करेंगे मुर्गी फार्म में ब्रूडिंग के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। चूजों के सही प्रकार से विकास के लिए ब्रूडिंग सबसे ज़्यादा आवश्यक है। ब्रॉयलर फार्म का पूरा व्यापार ही ब्रूडिंग के ऊपर निर्भर करता है। अगर ब्रूडिंग में गलती हुई तो आपके चूजे 7 से 8 दिन में कमज़ोर होकर मर जाएंगे, या आपके सही दाना के इस्तेमाल करने पर भी उनका विकास सही तरीके से नहीं हो पाएगा। जिस प्रकार मुर्गी अपने चूजों को कुछ कुछ समय में अपने पंखों के नीचे रखकर गर्मी देती है, उसी प्रकार चूजों को फार्म में भी ज़रूरत के अनुसार तापमान देना पड़ता है। ब्रूडिंग कई प्रकार से किया जाता है, जैसे कि बिजली के बल्ब से, गैस ब्रूडर से या अंगीठी से। पहले तो हम बात करते हैं कि बिजली के बल्ब से ब्रूडिंग कैसे करते हैं। इस प्रकार के ब्रूडिंग के लिए आपको नियमित रूप से बिजली की आवश्यकता होती है। गर्मी के महीने में प्रति चूजे को 1 वाट की आवश्यकता होती है, जबकि सर्दियों के महीने में प्रति चूजे को 2 वाट की आवश्यकता होती है। गर्मी के महीने में 4 से 5 दिन ब्रूडिंग किया जाता है और सर्दियों के महीने में ब्रूडिंग 12 से 15 दिन तक करना आवश्यक होता है। चूजों के पहले हफ्ते में ब्रूडर को लीटर से 6 इंच ऊपर रखें और दूसरे हफ्ते में 10 से 12 इंच तक ऊपर रखें। दूसरा है गैस ब्रूडर द्वारा ब्रूडिंग। ज़रूरत और क्षमता के अनुसार बाज़ार में गैस ब्रूडर उपलब्ध हैं, जैसे कि 1000 और 2000 क्षमता वाले ब्रूडर। गैस ब्रूडर ब्रूडिंग का सबसे अच्छा तरीका है। इससे शेड के अंदर का तापमान एकदम सामान रहता है। तीसरा है अंगीठी या सिगड़ी से ब्रूडिंग। ये खासकर उन क्षेत्रों के लिए होता है जहां बिजली उपलब्ध ना हो या बिजली की बहुत अधिक कटौती हो, लेकिन इसमें ज़्यादा ध्यान रखना ज़रूरी है क्योंकि इससे शेड में धुआं भी भर सकता है या आग भी लग सकती है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि इसमें बल्ब द्वारा ब्रूडिंग की जा रही है, साथ में हीटर भी लगाया गया है जिससे अंदर रूम का तापमान एक समान रह सके, क्योंकि यह ठंडी के मौसम का वीडियो है इसलिए अंदर ज़्यादा गर्मी की आवश्यकता होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।